पावर्स ऑफ फुली अवेकंड ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप आते हैं, कुछ टाइम तो इस जर्नी को समझने में, जानने में, विश्वास करने में लग जाता है। फिर धीरे धीरे आपका इस जर्नी पर ट्रस्ट बनता जाता है और आप इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। देन यू बिल्ड अप ग्रेजुअली इमेंस डिग्री ऑफ पेशेंस, ट्रस्ट एंड डेडिकेशन। सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होने लगेगा उस वक्त। सोल अवेकनिंग के साथ शुरू होता है अनकंडीशनल लव फॉर योर ट्विन फ्लेम। कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होते ही आप में कुछ पावर्स आ जाते हैं जिन्हें कहते हैं ट्विन फ्लेम्स पावर। ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड भी हो सकते हैं, मोनैडिक ट्विन भी हो सकते हैं, इंडिगो चाइल्ड भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो पावर्स जो ट्विन फ्लेम्स को मिलता है जब ट्विन फ्लेम्स की कुंडलिनी शक्ति अवेकन हो जाती है, जब ट्विन फ्लेम फुली अवेकन हो जाते हैं। फर्स्ट पावर। और पावर बताने से पहले, मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल एक्सटेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फर्स्ट पावर क्या है ट्विन फ्लेम का? दूसरों के इमोशंस को सेंस करने की कैपेसिटी। सामने वाला अगर आपसे कुछ शेयर करे या ना करे, आप उसको देखकर, उसकी आवाज़ सुनकर समझ जाएंगे कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन है। ट्विन फ्लेम की गट फीलिंग या इंट्यूशंस कह लीजिए, इतना स्ट्रांग होता है कि किसी इंसान के मन की बात, खासतौर से इमोशंस को जानना इनके लिए बहुत आसान होता है। सेकेंड पावर क्या होता है? एक अच्छा इम्पैथ होगा ट्विन फ्लेम। पब्लिक प्लेस, क्राउडेड एरिया में एनर्जी डिसबैलेंसेस हो जाती है। ट्विन फ्लेम्स आप फील किए होंगे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में जाने से आप ड्रेन फील करते हैं। सुपरमार्केट हो गया या शॉपिंग मॉल, पिक्चर हॉल, जहाँ बहुत अधिक लोग होते हैं, तो ऐसे में आपकी ऑरा अगर लॉक नहीं है तो आप दूसरों के नेगेटिविटी के से परेशान हो सकते हैं। आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। यू इमीडिएट फील इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। और अगर आपने वहाँ ज़्यादा बातें की तो श्योरली यू विल ड्रेन योर एनर्जी। थर्ड, ट्विन फ्लेम्स के क्या पावर होते हैं? ट्विन फ्लेम्स कभी भी वायलेंस, क्रुएल्टी या ट्रेजेडी, चाहे वो रियल लाइफ में हो या कहीं टीवी पर भी आप देख रहे हो, आप इसे नहीं देख सकते। कहीं भी वायलेंस सिचुएशन या क्रुएल्टी या कोई एक्सीडेंट या ट्रेजेडी आपसे नहीं देखा जाएगा। इट्स अनबियरेबल टू वॉच दीज इंसिडेंट्स। इसलिए टीवी और न्यूज़पेपर से लगभग डिस्टेंस बना लेते हैं ट्विन फ्लेम्स। एक्शन मूवीज, ओवर इमोशनल सीन्स को इजीली नहीं देख पाते ट्विन फ्लेम्स। फोर्थ पावर क्या होता है? आपका सिक्स सेंस बता देगा कि सामने वाला पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है या कुछ मैनिपुलेट कर रहा है। अब एग्जैक्ट तो नहीं जान पाएंगे कि आपसे वो क्या छुपा रहा है, लेकिन आप ये जरूर समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ तो हाइड करने की कोशिश हो रही है। बट यू कैन स्मेल समथिंग इज फिशी। दे आर नेचुरल ट्रुथ डिटेक्टर। जी हाँ, ट्विन फ्लेम पावर में ये भी होती है, दे आर नेचुरल ट्रुथ डिटेक्टर। फिफ्थ पावर क्या होगी? जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और जब ट्विन फ्लेम्स अपने सोल को अवेकन कर चुके होते हैं, सोल अवेकनिंग हो जाती है टोटली फुली, तो फिफ्थ पावर है ट्विन फ्लेम्स को सॉलिट्यूड में रहने से ज़्यादा सुकून मिलता है। जितना सॉलिट्यूड में रहेंगे उतना स्पिरिचुअल पावर अनलॉक होगा। दिस इज द वे ऑफ री एनर्जाइजिंग योर सेंसरी पार्स। जहाँ लोग सॉलिट्यूड पसंद नहीं करते, जहाँ लोगों से घिरे रहना, जारिंग म्यूजिक सुनना, डिस्कोथेक जाना, डीजे में जाना पसंद करते हैं, वहीं ट्विन फ्लेम्स सॉलिट्यूड में रहकर अपने सोल से कनेक्ट करना चाहते हैं। पावर सिक्स ट्विन फ्लेम्स की, बहुत अच्छे लिसनर होते हैं।
लोगों को समझना, उनके सिचुएशन में खुद को रख कर देखना, लोगों को सुनना, और वो भी होल हार्टेडली, ऐसे बेमन से नहीं, होल हार्टेडली लोगों को सुनना ट्विन फ्लेम्स की सोल अवेकनिंग के बाद पावर होती है। वैसे भी ईश्वर ने हमें दो कान और एक मुंह इसलिए तो दिए हैं ताकि हम बोलें कम और सुने ज्यादा, है ना। सेवन पावर क्या होगी एक फुली अवेकंड ट्विन फ्लेम की? ट्विन फ्लेम की एक और क्वालिटी उनका हाईली इंट्यूटिव होना होता है। किसी नेगेटिव एनर्जी को सेंस करना हो या फिजिकल डेंजर को सेंस करना इन्हें अच्छे से आता है। कभी कभी इंट्यूशंस इतना अच्छा वर्क करता है कि आप न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के लाइफ में क्या होने वाला है ये भी जान लेते हैं, खासतौर से वो जो आपके साथ या आपके आसपास रहते हैं या आप जिनसे कनेक्ट करते हैं। ये सेवेंथ मेन क्वालिटीज होती हैं ट्विन फ्लेम्स की। इसके साथ ही जो अनकंडीशनल लव और ट्रस्ट इश्यूज और इमेंस पेशेंस, ये क्वालिटी, ये पावर तो रहता ही है। अब ये भी जान लीजिए कि सम पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड अ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे। ये पावर अगर आपकी कुंडलिनी अवेकंड हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है, अगर आपकी सोल अवेकंड हो चुकी है, तो ये पावर आप में श्योर एंड श्योर होगा, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर ये पावर है आपके पास, अगर आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो उसको कैसे सेव करना है ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो कैसे, आप कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे, कुछ 6 पॉइंट्स आप ध्यान में रख के अपने इन पावर को सेव कर सकते हैं। सबसे पहला, अपने आसपास हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए। कभी कभी नो कहना भी अच्छा होता है, स्पेशली विद द पीपल दे आर क्रिटिकल और मीन। सेकेंड पॉइंट, कैसे आप अपनी एनर्जी को ड्रेन होते होने से बचा सकते हैं, कैसे आप अपनी पावर को सेव रख सकते हैं? प्रैक्टिस मेडिटेशन डेली फॉर माइंडफुलनेस। थ्री प्रिकॉशन क्या लेंगे, दिन में कुछ टाइम नेचर के साथ बिताएं। फोर्थ प्रिकॉशन, नॉइजी एरिया, एक्सेसिव टॉकेटिव पीपल या ऐसे ही नेगेटिव एनर्जीज के लोगों से बिल्कुल दूर रहें। फिफ्थ प्रिकॉशन, वर्कलोड के बाद, जैसे आप वर्किंग हो, कोई भी आप जॉब करते हो, बिजनेस है आपका, कुछ भी हो, तो वर्कलोड के बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक जरूर लें। सिक्स प्रिकॉशन क्या लेंगे आप, अगर कहीं किसी क्राउडी एरिया या पार्टी में जाना हो। अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम कट जाएं आप सोसाइटी से, कभी कभी जाने का मन भी होता है, कभी कभी जाना भी पड़ता है, बिल्कुल अपने क्लोज किसी फैमिली या फ्रेंड के फंक्शन में, या तो अगर कहीं किसी क्राउडी एरिया या पार्टी में जाना हो तो टाइम लिमिट सेट जरूर करें, लिमिटेड टाइम के लिए जाएं और उसमें स्टिक रहें कि मैं इतने टाइम से ज्यादा स्पेंड नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो ये 6 प्रिकॉशनरी मेजर के साथ अब आपको जो पावर डिवाइन से मिलते हैं उन पावर को आप सेफ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये था आपके पास क्या क्या पावर होते हैं। आप लोग बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या कुछ पावर, हाँ पावर मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप फुली अवेकंड हो जाएंगे। पावर मिलेगा जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो जल्दी से अपने ऊपर वर्क करें, लेकिन सबसे पहले ये जाने क्या जानिए क्या कि क्या आप ट्रू ट्विन फ्लेम है, या अगर हैं तो आपके पर्सन क्या ट्रू ट्विन फ्लेम है। कहीं कोई कार्मिक से तो आप डील नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग, कोई भी लाइफ सिचुएशन से या ट्विन फ्लेम गाइडेंस चाहिए, या इनर वर्क जानना है, तो करियर रिलेटेड रीडिंग जानना है, या कुछ भी, अगर मुझसे किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पर ध्यान में रखिएगा, पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होता है, और मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, प्लीज डायरेक्ट कॉल ना करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ अपना
अपने गिफ्ट्स को संभालना सीखिए, अपने गिफ्ट्स को अनलॉक करिए. स्प्री दीज आर कॉल्ड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स. इसको अनलॉक करिए सबसे पहले, उसके बाद इसे संभालना सीखें.